न्याय यात्रा पर बड़े नेताओं का ये कैसा अन्याय। हालांकि बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं लेकिन कुछ तो लाए हैं मृगन पांडे। मृगन पांडे इस खबर में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? नहीं जुड़ेंगे तो जोड़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को मजबूत करने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इस न्याय यात्रा में भी कांग्रेस की अंतर्कलह की बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा से बड़े नेताओं ने दूरी बना ली है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे तो आप समझेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब पदयात्रा कर रही है। इस यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज 130 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। दीपक बैज बहुत संघर्ष कर रहे हैं। इस पदयात्रा में पार्टी के विधायक, सांसद और प्रमुख नेता भाग तो ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रहे हैं। यात्रा में शामिल कांग्रेसी इसको सफल बनाने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार में बड़े पदों पर रहे नेता इस यात्रा में नजर नहीं आ रहे हैं। इस पदयात्रा में कौन कौन से नेता शामिल नहीं हुए हैं जान लीजिए, विस्तार से बता देता हूं। चलिए मेरे बगल में देख लीजिए और पढ़ लीजिए। दीपक बैज की इस यात्रा में अब तक राज्यसभा सदस्य के TS तुलसी, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन शामिल नहीं हुए। ये राज्यसभा सांसद कांग्रेस से चुने हुए हैं भाई साहब, छत्तीसगढ़ के। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहे ताम्रध्वज साहू भी नजर नहीं आए। इसके साथ ही संगठन के कई और पदाधिकारी भी इस पदयात्रा से दूर हैं, समझ रहे हैं आप। और इतना ही नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी इस तरह बढ़ गई है कि इस पदयात्रा में बने स्वागत मंच पर लगे नेताओं के पोस्टर तक फाड़ दिए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के दो कार्यकर्ता मंच पर आपस में ही भिड़ गए। देखिए कैसे पोस्टर फाड़ रहे हैं। बालौदा बाजार की तस्वीर है, बालौदा बाजार जिले की तस्वीर है। हालांकि दीपक बैज इस तरह के विवादों की परवाह किए बिना अपनी पदयात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पदयात्रा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से हमारे ब्यूरो चीफ मृगन पांडे ने खास बातचीत की, सुन लीजिए। आपकी पहली पदयात्रा में संगठन और पिछली सरकार में पूर्व मंत्री रहे तमाम बड़े नेता नहीं आए, उसके पीछे बीजेपी लगातार कह रही है कि गुटबाजी है। बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ कि कोई संगठन या कोई तमाम बड़े नेता नहीं आए। आपको मैं अवगत करा दूं, जिस दिन शुभारंभ हुआ उस दिन पूर्व डिप्टी CM चरणदास महंत जी और दर्जन भर विधायक, पूर्व मंत्रियां शामिल हुए। आज भी देखेंगे तो कई पूर्व मंत्रियां, पूर्व वरिष्ठ नेता और तमाम लोग ऐसे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, ये बंटवारे का, फूट डालो शासन करो का नीति अपनाती है। कुछ जगहों पर ये भी देखने को आया जो पोस्टर लगे हैं उसको लेकर विवाद हुआ और तमाम तरीके के विवाद हुए, तो उनके लिए क्या कोई संदेश है आपको आने वाले समय के लिए? देखिए छोटी मोटी बातें हैं, कार्यकर्ता उत्साहित है, नेता उत्साहित है, तो इसमें तो बड़ा कार्यक्रम है, कहीं एक दो ऊंच नीच हुआ होगा लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। कांग्रेस ने 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। यह यात्रा गिरौदपुरी धाम से शुरू हुई थी और कल यानी कि 2 अक्टूबर को रायपुर पहुंचकर खत्म होगी। यात्रा के अंतिम दिन राजधानी रायपुर में कांग्रेस एक बड़ी सभा करेगी। इसी सभा में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ प्रदेश के सभी बड़े कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। इस पर ज़्यादा जानकारी लेना पड़ेगा मुझे और जाना पड़ेगा किसके पास, पता है आपको? मृगेंद्र पांडे के पास जाना पड़ेगा। मृगेंद्र जी, दीपक बैज कह रहे हैं कि भाई मैं तो आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, छोटी मोटी थोड़ी बहुत अगर मान लीजिए कुछ नाराजगी चल रही है तो इसको बीजेपी को इतना तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन आपने पकड़ लिया था दीपक बैज को, पूछ ही लिया सवाल, क्या माना जाए, नाराजगी है या फिर छोटी मोटी नाराजगी ही माना जाए इसे? मृगेंद्र जी देखिए, कांग्रेस की जो परंपरा रही है और सरकार जाने के बाद जो खुलकर सामने आया, वो सबसे प्रमुख रही है गुटबाजी। अलग अलग नेता, चाहे बस्तर के हों, सरगुजा के हों, रायगढ़ के हों, नेताओं ने खुलकर बयानबाजी की है, तो इसको आप गुटबाजी को एकदम स्पष्ट देख सकते हैं, कोई दबी छिपी गुटबाजी नहीं है। सार्वजनिक मंचों पर नेताओं ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की, काम नहीं किया, एक विशेष वर्ग का ध्यान रखा गया, तमाम चीज़ें खुले मंच से आई हैं। तो गुटबाजी को दीपक बैज भी नकार नहीं रहे, सिरे से खारिज नहीं कर रहे, और उनकी जो यात्राएं हैं, जो हमने बताया या बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि राज्यसभा सदस्य, तीन तीन राज्यसभा सदस्य जो बड़े नेता होते हैं छत्तीसगढ़ कोटे से गए हैं,
वो अगर पदयात्रा में शामिल नहीं होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी पदयात्रा में शामिल नहीं होते हैं, तो सवाल उठता है, क्योंकि दीपक बैज जो ये पदयात्रा कर रहे हैं, एक तरह से कांग्रेस के मेकओवर की पदयात्रा है। सत्ता से बाहर जाने के बाद जो कांग्रेस कमजोर, लस्त, असहाय पड़ी थी, उसे रिचार्ज करने की यात्रा है। ऐसे में इन बड़े नेताओं का आना जरूरी हो जाता है, राष्ट्रीय नेताओं का आना जरूरी हो जाता है। आप तुलना कीजिए दूसरी पार्टियों के, बड़े बड़े कार्यक्रमों में बड़े नेता आते ही हैं। हालांकि दीपक बैज ने यह भी हमको बताया कि कल सचिन पायलट उनकी यात्रा के समापन में आएंगे, तो कुल मिलाकर थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से दीपक बैज ने ये यात्रा निकाली और 130 किलोमीटर पैदल चले, क्योंकि लंबे समय, हमने पिछले 10 साल में किसी नेता को नहीं देखा जो 130 किलोमीटर की पदयात्रा किया हो और उसमें पूरी एक पार्टी लग गई हो, तो आप समझिए कि इस यात्रा के काफ़ी मायने हैं और दीपक बैज उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस का एक थोड़ा इससे मेकओवर होगा, क्योंकि नगरी निकाय चुनाव भी हैं और उस चुनाव में नगरी निकाय चुनाव निश्चित तौर पर मृगेन जी सामने नगरी निकाय चुनाव है। और समापन के दिन में जो आज आपने सवाल, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी नज़रों से मैं देखना समझना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की सियासत को, जो आज आपने देख लिया, भांप लिया, समझ लिया और विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को समझा दिया, कहीं मान लीजिए समापन के दिन मंच पर अगर ऐसा दिखा तब तो मुहर ही लग जाएगी कि भाई साहब मन मुटाव बहुत ज़्यादा है और एकजुटता नहीं है। लेकिन फिर भी दीपक बैज मेहनत कर रहे हैं तो उनको मेहनत करने दीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपका मृगेन जी।